मैं लीला चक्रवर्ती जी पे अपनी बात रखने वाली हूँ और ये मेरे प्रिय कवि क्यों हैं। एक बार की बात है, मैं एक कुछ पत्रिका पढ़ रही थी, उसमें मैंने कुछ पंक्तियाँ पढ़ी जो मैं सबसे पहले आपसे साझा करना चाहूँगी। लेखक या कवि कैमरा नहीं है, लेखक या कवि कैमरा नहीं है, वह एक संवेदनशील आँख है जिसके पास विचारधारा से पहले आंसुओं की धारा है। लीलाधर चकोरी, इतना मैंने पढ़ा था सबसे पहले लीलाधर जगोड़ी जी को सबसे पहले, और इसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इन्हें पढ़ना चाहिए क्योंकि इनमें वो धारा शायद मुझे मिलेगी जो मैं ढूंढ रही हूँ। तो मैंने फिर इनकी कविताओं को पढ़ना शुरू किया छोटी छोटी मैगजीन्स में यहाँ वहाँ से, और फिर इनकी भाषा से मैं बहुत प्रभावित हुई। बहुत ही सीधी सच्ची सरल सहज भाषा में वो लिखते हैं, कोई क्लिष्ट शब्द वहाँ नहीं होते हैं, मुश्किल शब्द नहीं होते हैं जो समझ में ना आए या सर से ऊपर चले जाएं। तो यहाँ से उन्होंने अपनी भाषा के बारे में खुद भी कहा है जो मैं आगे आपसे साझा करूँगी। सबसे पहले लीलाधर जगोड़ी जी के परिचय पे जाते हैं हम, तो पहले उनका जीवन परिचय लीलाधर जगोड़ी जी जो हैं, उनका जन्म 1 जुलाई 1944 को उत्तराखंड के टिहरी नामक जिले के धनगढ़ नाम के छोटे से गाँव में हुआ था। धनगढ़ नाम का गांव जो है वो उनका बचपन में, जब वहाँ पे वो पले बढ़े रहे, वो काफ़ी वहाँ से जुड़े रहे, लेकिन एक बार वहाँ प्राकृतिक विपदा आ गई थी, बाढ़ आ गई थी जिसमें उनके घर, उनके खेत खलिहान सब बह गए थे। इस वजह से उन्हें वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा था, वहाँ से शहर आना पड़ा था, लेकिन वो अपने गाँव से कभी दूर नहीं हो पाए। कविताओं के माध्यम से ही वो जुड़े रहे। तो इनकी एक कविता है जिसका शीर्षक है आज के दिन, उसकी चार पंक्तियां बताना चाहूंगी कि वो अपने गांव से कैसे जुड़े और कैसे वहां तक पहुंचने की सोचते रहे हमेशा। जितने भी जंगल इस पृथ्वी पर हैं उनकी छाया से गुजरता हुआ, जितने भी जंगल इस पृथ्वी पर हैं उनकी छाया से गुजरता हुआ मैं देखना चाहता हूँ अपने को धनगढ़ गाँव जाता हुआ। तो ये उनकी सोच है अपने गाँव पहुँचने की। चूंकि वो उत्तराखंड गढ़वाल के इलाके से आते हैं तो प्रकृति के आसपास रहे, तो उनकी कविताओं में प्रकृति सबसे ज़्यादा है, जो कि मुझे बहुत प्रिय है और इसलिए भी वो मेरे प्रिय कवि बन गए। अब उनके साहित्यिक परिचय पर अगर हम जाएं तो साहित्यिक परिचय में उनका, उन्हें पद्मश्री मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, रघुवीर सहाय सम्मान, और अभी हाल ही में उन्हें व्यास सम्मान देने की घोषणा भी हुई है। इसके साथ साथ उनके बहुत सारे काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद, महाकाव्य के बिना ईश्वर की अध्यक्षता में खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। ये उनके काव्य संग्रह के नाम हैं। अब मैं उनकी कविताओं पर बात करूं, उसके पहले मैं उनकी एक कविता पढ़ना चाहती हूं। उसका शीर्षक है बताना और पूछना। जब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी तब पेड़ बताते थे ऊंचाई, गहराई की कल्पना नींव और कुएं से ज्यादा नहीं थी, जड़ें बता देती थी पानी की थाह, पत्ते और पतंग बताते थे हवा का रुख, यहाँ घी की फरफरा रही है या सरसरा रही है, बिल्डिंगों से टकराकर वही वही रेंगते बासी पड़ जाते थे झोंके, मोहल्ले के किसी बचे कुचे पेड़ से उतरकर बामुश्किल कोने पर उगी थोड़ी सी घास चूम पाती है जो लहराने की जगह बस सिर से कमर तक हिलकर रह जाती है। बेतरतीब घने मोहल्ले का कैदी पेड़ नागरिक भाव भेदभाव मिटाते हुए सांस लेने की आजादी बांटने कुंभाता सा फिर वापस लगता है, बस हल्के से हिल पाते हैं तिमंजला खिड़की के पर्दे, शहरों से गांवों की उन्मुक्त फसलें हिलोरे मारती मिलती हैं, कभी कभी गंवार को भी जानवर की भूख ने नहीं पूछा, दाल रोटी साग पात में और घास पात में किसका स्वाद ज्यादा और कमतर है, रोटी खाने और घास खाने वाले में किसकी भूख महान है। लीलाधर जगोड़ी जी उन कवियों में आते हैं जिन्होंने अपने अनुभव की जो भाषा है वो
उसे कविता में हमेशा जिंदा रखा है। वे हिंदी के ऐसे कवि हैं जहां उनके शब्द कभी भी कौतुक और क्रीड़ा के जैसे दिखाई नहीं देते हैं। वो अपने अनुभव की जो पूंजी है उसे एक अपनी पद्धति में अपने पाठकों तक पहुंचाते हैं और पाठक उन्हें पढ़ के अवाक रह जाता है। उन्होंने खुद ने अपनी भाषा के बारे में कहा है कि भाषाएं भी अलग अलग रौनकों वाले पेड़ों की तरह होती हैं, सबका अपना अपना हरापन है। कुछ उन्हें काट कर उनकी छवियों को एक ही जगह बुरादा बना देते हैं। तो ये उनका अपने भाषा के बारे में विचार था। तो कवि की भाषा इतनी सशक्त है कि वो अपनी भाषा के बारे में इस तरह की बात कहने की ताकत रखते हैं। यदि हम उनके पहले काव्य संग्रह की बात करें जिसका नाम है शंखमुखी के शिखरों पर, उसकी ज्यादातर कविताएं जो है वो मंत्र की तरह गूंजती है पढ़ने वाले पाठक के कानों में। मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। वो लिखते हैं, मेरी आकाश गंगा में कभी बाढ़ नहीं आई, मेरी आकाश गंगा में कभी बाढ़ नहीं आई, मेरे पास तट नहीं है जिन्हें मैं भंग करने की सोचूं। एक सांवला प्यार है मेरे पास सेवार जैसा, जिसे पाने के लिए बहुत बार भेजे हैं धरती ने बादलों के उपहार, धरती ने बादलों के उपहार भेजे हैं उसे पाने के लिए। चूंकि प्रकृति के करीब रहे तो उनकी कविताओं में वो सारे रंग दिखाई देते हैं। उनकी एक काव्य संग्रह है इस यात्रा में, इस यात्रा में वो किस तरह से प्रकृति के साथ अपना मानवीय संबंध बता रहे हैं। और खास बात यह है कि ये जो कविता है अमृत नाम से कविता है, वो सिर्फ तीन पंक्तियों की, तीन लाइन की कविता है। सुनिए, हमेशा नहीं रहते पहाड़ों के छोए, पर हमेशा रहेंगे वे दिन जब तुमने और मैंने एक साथ खोए। ये बहुत ही रोमानी और कोमलता से भरी हुई पंक्तियां कह सकते हैं, लेकिन ये पूरी अपने आप में एक संपूर्ण कविता है उनकी। इस यात्रा में काव्य संग्रह जो उनका है वो 1973 में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल 34 कविताएं हैं और कभी अपने जीवन के छोटे छोटे अनुभवों को अपनी उस यात्रा को इस संकलन में अपनी इस यात्रा में तय करते हैं। इसी में एक और उनकी रचना है अंधेरे में बसंत। मिट्टी को फोड़कर निकलने का दर्द तमाम शाखाओं पर फूटना चाहता है। नंगे पन पर झड़ चुकने के बाद एक अपराधी हल मुझसे कहता है कि हमने नहीं उगाया इस साल का यह फैला हुआ जंगल, तुम्हारे लिए मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह से उनकी कविताओं में उनके अलग अलग विचार हमें देखने को मिलते हैं। एक और उनकी कविता है जिसमें उन्होंने जो प्रगति हो रही, विकास हो रहा है, तरक्की होती जा रही है, उस पर उन्होंने लिखा है कि ये इतनी बहुआयामी हो गई कि बहुआयामी भूख की तरह हो गई है, इंसान भूखा हो गया इस चीज के लिए। तो भूख कैसे लग गई है इंसान को उनकी कविता में देखते हैं। भूख ऐसे लगी हुई है जैसे गड्ढे में पेड़, भूख ऐसे लगी हुई है जैसे गड्ढे में पेड़, पेड़ में पत्तियां, पत्तियों में रंग, भूख ऐसी धंसकर लगी हुई है जैसे जमीन के नीचे जड़ें, ऐसे फैली हुई है जैसे आकाश में हवा, ऐसे चुभी हुई है जैसे रिकॉर्ड पर सुई। तो भूख कितनी तरह की लग चुकी है हम सबको, वो भी खाने वाली भूख नहीं, विकास जो हो रहा है उसकी वजह से हम पूरे खिल गए हैं भूख से, कहीं गहराई में चले गए, कहीं आसमान में फैल गए, या हमें वो चुभने भी लगी है। तो उसके लिए अलग अलग उन्होंने प्रतीकों को यूज किया है। इसके बाद उनका एक नाटक संग्रह है, नाटक जारी है उसका संग्रह का नाम है, नाटक जारी। 1970 में ये प्रकाशित हुआ। इसमें उनकी कई कविताएं हैं, काफी छोटी छोटी हैं, लेकिन एक जो कविता जिसका शीर्षक भी है नाटक जारी है, वो 43 पेज की है। उसमें 900 लाइनें हैं और 37 बंद हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उनकी कविता है। उनके काव्य संग्रह में वैसे ज्यादा कविताएं नहीं होती, 32 37 35 के लगभग छोटी छोटी सी कविताएं, छोटे काव्य संग्रह। लेकिन ये जो है इसमें इन्होंने 3-4 साल का जो टाइम पीरियड है, काल अवधि है, उसमें इसकी रचना की थी। तो ये पूरा टाइम उसमें नजर आता है जो एक बड़ी सी कविता है उसमें, 1967 से 1970 के बीच का। एक दूसरा काव्य संग्रह उनका आया घबराए हुए शब्द। मैं कोशिश करूंगी कि उनके काव्य संग्रह के बारे में आपको बताते उसके बाद उसकी एक एक कविता शेयर करूँ, साझा करूँ। उसमें एक कविता है जरूरत है, जरूरत है पहलवानी और गुंडेपन से बाहर एक ऐसी ताकत की जिसे लेकर कमजोर से कमजोर आदमी भी जीत जाए।
ऐसी ताकत की जो बैंक के अकाउंट, घर या फर्नीचर से तय ना होती हो, जिससे आंख मिलाने पर ठंडे चूल्हे जल उठें, पुरूप की अच्छाई दिखने लगे, सुंदर के ऐप खुल जाएं, सुंदर के ऐप खुल जाएं। जरूरत है ऐसी ताकत की जिसके लिए आदमी को आदमी से घृणा करने की जरूरत ना पड़े। घबराए हुए शब्द जो काव्य संग्रह है वो उनका 1980 में प्रकाशित हुआ था, और इसमें उनकी 37 कविताएं हैं जगबुरी जी की, और इसमें जितनी भी कविताएं हैं वो उन्होंने यथार्थवाद को लिखी है, यथार्थवादी कविताएं हैं, सच्चाई को दर्शाने वाली कविताएं हैं। इस संकलन की संपादकीय टिप्पणी में भी उन्होंने खुद ही लिखा है, यथार्थ मनुष्य से भी प्राचीन है और कवि उसे हर बार अपने समय और स्थान की चेतना में सही दूरी रखकर अनावृत करता है। शोषित वर्ग, सामंती वर्ग की जो हमेशा खींचतान चलती रहती है, शोषित करते हैं सामंती वर्ग, उस पर उनकी एक कविता है, उसकी कुछ पंक्तियां मैं साझा करना चाहूंगी। उन्हें भी मैं जानता हूँ जो बूट पहनते हैं, पर एक बार भी मरे हुए जानवर को याद नहीं करते, जबकि बंदूक पे एक बार भी नहीं भूलते। बची हुई पृथ्वी जो उनका काव्य संग्रह है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस काव्य संग्रह में उन्होंने आशाओं से भरी, उम्मीदों से भरी कविताएं लिखी, उसमें कहीं भी निराशा नजर नहीं आ रही है। युद्ध में हारे हुए योद्धाओं के लिए आशा है, तो संघर्षशील व्यक्ति के लिए आशाओं से भरी कविताएं इसमें हैं। और इसमें खास बात यह है कि बची हुई पृथ्वी में पृथ्वी अर्थात जीवन की अस्मिता और उसके अस्तित्व को बचा के रखने से उनका मायना है। तो उसकी एक कविता की कुछ लाइनें हैं, मैं तुम्हारे पास आऊंगा जैसे बादल पहाड़ की चींटी के पास आता है और लिपट जाता है, जिसे वे ही देख पाते हैं जिनकी गर्दन उठी हुई हो। मैं आऊंगा आऊंगा तो उस तरह जैसे कि हारे हुए थके हुए में दम आता है। इसी काव्य संग्रह में उनकी एक और कविता है, यहाँ पे इस कविता में छोटी सी कविता है, लेकिन कवि जो है वो पुरातन और जो नवीन है उन दोनों के बीच में किस तरह से संतुलन रखने की बात कर रहे हैं। वो ये भी नहीं कह रहे कि वो पुरातन को पूरी तरह छोड़ देंगे, त्याग देंगे, और वो ये भी नहीं कह रहे कि वो नवीनता को सर्वथा अपना लेंगे, हमेशा के लिए अपना लेंगे। तो उसके लिए उन्होंने बहुत ही सुंदर संतुलन करके अभिव्यक्ति की है, बहुत ही अच्छे प्रतीकों के माध्यम से। जड़े वही हो, ध्यान से सुनिएगा, जड़े वही हो उसी तने पर वे ही टहनियां हो, ज्यादा अच्छे लगते हैं तब नए पत्ते। तो अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें और नए भी बनते रहें तो हर चीज सुंदर खूबसूरत नजर आएगी, वरना नए पौधों में तो वे बोते ही हैं, नए पौधों में तो जड़ भी रहेगी नहीं, तना भी रहेगा, पत्तियां शाखाएं सब कुछ रहेंगी, लेकिन अगर हम पुरानी जड़ों में नए पत्ते देखते हैं तो वो ज्यादा सुंदर लगेंगे। एक दिन लोग दिन भर अपना जो मुखौटा पहन के रखते हैं हमेशा दिखावे का, एक दिन उन्हें वो उतारना पड़ता है, उससे बाहर आना पड़ता है। तो उस मुखौटे से बाहर आने के लिए कवि ने बहुत ही सुंदर व्यंग किया है एक कविता में, इस पत्र के द्वारा है, अंतर्देशी पत्र जो होता है उस पर लिखी उन्होंने, इस पत्र के भीतर कुछ ना रखिए, ना अपने विचार ना अपनी यादें, इस पत्र के भीतर कुछ ना रखिए, ना अपने संबंध की छाप, ना दुख, ना शिकायतें, ना अपनी अगली मुलाकात का वादा, ना पारिवारिक प्रलाप, वरना ये पत्र पकड़ा जा सकता है, इस पत्र के भीतर कुछ ना रखिए। इस तरह उनके अगला काव्य संग्रह उनका अनुभव के आकाश में, जो 1994 में प्रकाशित हुआ था, इसमें उनकी 74 कविताएं हैं। ये काव्य संग्रह है जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस काव्य संग्रह में उन्होंने जो कविताएं लिखी वो अपने पूर्व अनुभव के आधार पर, वैसे भी कवि जो है वो पूर्व अनुभव के आधार पर ही लिखते रहे हैं, कवि मतलब लीलाधर जगबुरी जी की बात, उनकी खासियत, उनकी कविताओं की बात जब आती है तो उसमें अनुभव सबसे पहले और प्रमुखता से आता है। तो यहाँ पे उन्हें इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। उनकी एक कविता है उसमें उन्होंने मानव को अपनी विवशताओं की वजह से
व्यस्तताओं में बदलना चाहता है मानव, अपनी विवशताओं की वजह से वो अपने आप को व्यस्तता में बदलना चाहता है। उसके लिए भी उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सरल भाषा में लिखते हैं कवि। उनकी कविता आप पढ़ते ही समझ लोगे, बहुत उसमें कठिन शब्द या कोई दूसरी विचार नहीं होते हैं। मेरे तोते मेरे हाथों से दूर, मेरे तोते मेरे हाथों से दूर, मेरे घोड़े मेरे मन से दूर चले गए हैं। ऐसे में मुझे एक तितली की प्रतीक्षा है, जिसकी चंचलता थोड़ी देर के लिए ही सही, स्थिर कर दे मुझे मेरी तल्लीनता से। अब ईश्वर की अध्यक्षता में 1999 में प्रकाशित उनका काव्य संग्रह है ईश्वर की अध्यक्षता में। यह उनका 10वां काव्य संग्रह है, जिसमें उन्होंने बहुधर्मा बहुगुणा जो विषय है वो लेकर लिखा है। इसकी भूमिका में कवि लिखते हैं, मेरी दृष्टि में अच्छी कविता वह है जो कवि के विचारों को ही नहीं उसके समय और उसके जीवन को भी लांग जाए, कवि का जीवन कविता का जीवन हो जाए। ये उनकी भूमिका में लिखा हुआ है काव्य संग्रह के। इस काव्य संग्रह में वो ईश्वर की ईश्वर के अस्तित्व को ललकार रहे हैं, उसे नकार रहे हैं। उसी में से एक कविता है जिसमें उन्होंने सरस्वती वाग देवी सरस्वती के अस्तित्व को नकारा है, उनसे रुष्ट हो गए, उनसे नाराज हो गए हैं। और उस भाव को वो किस तरह से दर्शा रहे हैं, माँ बता तो दो खैर है, माँ बता तो दो खैर है, तुम सशस्त्र लोगों की सरस्वती हो या निशस्त्र लोगों की, तुम तावड़ तोड़ तड़ातड़ भड़ाम भड़ाम कैसे हो गई हो, यह तो तुम्हारा संगीत नहीं था। इस धाए धाए के बीच शब्द फूटने की प्रतीक्षा करना और यह शब्दों के फटने का इंतजार करो। तो इस तरह से कवि बहुत सारी छलांग लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। ये आखिरी मैं पंक्ति पढ़ती हूँ, एक कविता है मेरे पास जिसमें उन्होंने साहित्यिक राजनीतिक सांस्कृतिक छलांग लगा दी है, बहुत लंबी छलांग है। वो बहुत ही जिद्दी होकर इस कविता में अपनी बात कह रहे हैं। अगर आंख से ना आ रहे हो, अगर आंख से ना आ रहे हो, शब्द कानों से आ रहे हो, अर्थ का कोई रंग मुंह का कोई स्वाद कर्म की कोई कठिनाई ला रहे हो, रंग की ध्वनि और ध्वनि के रंग को अलग अलग बतला रहे हो, तब अनुभूति के कागज के लिए स्याही कम पड़ जाती है, नए कर्मों के लिए शब्दों की उगाही करते हुए पृथ्वी छोटी पड़ जाती है। मुझे थोड़ा बड़ा होना है पृथ्वी के साथ, अगला पृष्ठ आकाश जोड़कर।